हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धि तिमन। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू की डेट रखी गई है। केवल इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों को समय पर पहुंच जाना है। 12th BEd DEd स्टूडेंट यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ कोई आपके जो है परीक्षा नहीं होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो हम लोग चेक करेंगे, वैकेंसी कहाँ से आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, क्या सैलरी आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सब्जेक्ट जो है पीजीटी में जीव विज्ञान है, गणित है, भौतिकी है, रसायन है, सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान में जो है वो आपके सब्जेक्ट जो है वो सभी आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। साथ में यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट की भी वैकेंसी है। नेक्स्ट टीजीटी में अंग्रेजी विज्ञान और कला समूह की वैकेंसी है। पीआरटी में कला प्रयोगशाला सहायक और ग्रंथपाल की वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम योग्यता जो है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पीजीटी के लिए आप लोगों के पास जो है 50% अंकों के साथ जो है वो आपने पोस्ट ग्रेजुएट साथ में बीएड जो है यहाँ पर मांगा गया है। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र में किसी भी एक विषय में आपने एमए किया होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और बीएड जो है वो कंपलसरी है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट संपूर्ण शिक्षा अगर अंग्रेजी माध्यम में कर रखी आवेदक ने तो उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने कहा है कि यहाँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही चाहिए, ठीक है, और बीएड जो है वो कंपलसरी है सभी में। नेक्स्ट, कॉमर्स के लिए जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ इंग्लिश मीडियम में आपने एमकॉम की उपाधि जो है वो ली हो, बीएड आपने किया हो, सभी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने कहा है कि प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को देंगे, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी दोनों ही स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। टीजीटी में यहाँ पर मांगा गया है 50% अंकों के साथ आपने इंग्लिश मीडियम से जो है ग्रेजुएशन अगर आपने की है, बीएड आपके पास है, तो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक किया है, बीएड किया है, तो और इसके अलावा कहा है यहाँ पर कि जो है प्रधान पाठक के रूप में अगर 3 वर्ष का कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, और सारी शिक्षा आपने इंग्लिश मीडियम में अगर की है तो इंग्लिश के लिए जो है वो आप लोगों को यहाँ पर रख लिया जाएगा। 35,400 रुपए आप लोगों को यहाँ इंग्लिश टीजीटी के लिए मिलेंगे, और यहाँ 38,100 जो है वो सभी पीजीटी सब्जेक्ट में मिलेंगे। पीआरटी के जो सब्जेक्ट हैं जिसमें कला है, प्रयोगशाला सहायक है और ग्रंथपाल है, तो इसके लिए सैलरी जो है वो बिल्कुल समान है 25,300। यहाँ पर इन्होंने कहा है 12th के साथ अगर आपने डीएड, डीएलएड अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं कला के लिए। प्रयोगशाला सहायक में यहाँ कहा है कि 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में 12th जिसमें रसायन मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। ग्रंथपाल के लिए जो है यहाँ पर एक ही जो है वो सीट है, और इसमें भी जो है यही क्वालिफिकेशन कहा है 50% अंकों के साथ जो है वो आपने इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन की हो, पुस्तकालय सहायक के रूप में 3 साल का अनुभव हो, संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में अगर आपने की है तो आवेदक को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी यहाँ पर मना नहीं किया है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चयन किस तरीके से किया जाएगा, तो चयन प्रक्रिया में पद हेतु जितने भी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक हैं उनका 70% सुकमा जिले से बिलोंग करते हैं तो उनका जो है वो 5 अंक, और अनुभव प्रमाण पत्र है तो 10 अंक जो है वो आपको मिलेंगे। इंटरव्यू के जो है वो 15 अंक वेटेज के आधार पर जो है मेरिट सूची आपकी तैयार की जाएगी। तो यह इंस्ट्रक्शन में जो है वो आप अच्छे से जो है वो देख लें। यहाँ पर आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का जो मूल निवासी होना अनिवार्य है, उम्र 21 से 35 साल जो है वो होनी चाहिए। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूरा भर के मूल प्रमाण पत्र के साथ जो है समय पर पहुंच जाए। 16 से लेकर 20 तक यहाँ इंटरव्यू चलने वाले हैं, 16 का इंटरव्यू जो है वो आप लोगों का निकल चुका है, बाकी अभी जो है वो बाकी हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच जाएं। ये नीचे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसको भरना है आप लोगों को, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ उनकी फोटोकॉपी और एक जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो आप लेकर स्थान पर जो है वो पहुंच जाएं। इसका शॉर्ट नोटिस जो है वह भी आया है, यहाँ सुकमा छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी है, और इसका जो शॉर्ट नोटिस है इसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है वो जगह बिल्कुल स्पष्ट जो है वो बताई गई है। 16 से लेकर 20 तक पहुंचना है आपको, 10 बजे से। जगह है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी
निजी माध्यम विद्यालय पावारास सुकमा, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसकी जो मेन वेबसाइट है उसी में आप लोगों को दिखाई दे जाएगा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के शैक्षिक गैर शैक्षिक पदों की भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को शॉर्ट नोटिस जो है वो सबसे ऊपर नजर आएगा और सबसे नीचे जो कंप्लीट नोटिस नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाई देगा, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, जिनके विज्ञापन जारी हो जाते हैं मुझे पता चलता है, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बना देती हूँ। और भी वैकेंसी जो है वो आएंगी, आप वेट करें और चैनल पर बने रहें, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि वैकेंसी जो कहाँ कहाँ से आ रही हैं। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जो कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलती है। तो बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें चैनल को यदि पहली बार आए हैं, बेल बटन को जरूर प्रेस करें, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा हर वीडियो का। डेट जो है वो निकल जाती है, जैसे कि इसी की जो है वो डेट निकल गई है 16, ठीक है, 16 अगस्त, जो कि मुझे भी नहीं पता लग पाया, तो 16 अगस्त डेट निकल गई है। और लेकिन आज से लेकर 20 तारीख तक जो है, 20 अगस्त तक जो है वो इंटरव्यू चलेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।